दोस्त ऑफ पुट डाउन, पुट डाउन माने होता है किसी को नीचा दिखाना, किसी को नीचा दिखाना। जैसे फॉर एग्जांपल, राहुल अपने दोस्त से बात नहीं करता है क्योंकि वह उसको नीचा दिखाता है। राहुल डज नॉट टॉक टू हिज फ्रेंड बिकॉज ही ऑलवेज पुट्स डाउन टू हिम। तुम मुझे नीचा क्यों दिखा रहे हो, वाई आर यू पुटिंग डाउन टू मी। तो पुट डाउन माने होता है कि किसी को नीचा दिखाना। सेकेंड है हमारा पुट ऑफ। पुट ऑफ माने होता है कोई चीज़ पोस्टपोन कर देना, कोई चीज़ है ना कुछ कुछ टाइम के लिए ना कहते हैं टाल देना। जैसे मैं मुंबई जाने वाला था लेकिन मुझे उसको कहते हैं पोस्टपोन करना पड़ा। आई वॉज गोइंग टू मुंबई बट द लास्ट मोमेंट आई हैड पुट ऑफ माई जर्नी। सेकेंड है कि मैं कल मूवी देखने जा रहा था लेकिन मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया। यस्टरडे आई वॉज गोइंग टू वॉच मूवी बट आई पुट ऑफ माई प्लान। हमारा है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून माने होता है कोई ऐसा काम जो हम कभी कभार ही करते हैं, बहुत ही कम करते हैं। जैसे मैं क्रिकेट बहुत ही कम खेलता हूँ, कभी कभार ही खेलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट वंस इन अ ब्लू मून। मैं कभी कभार ही पिज्जा खाता हूँ, आई ईट पिज्जा वंस इन अ ब्लू मून। दोस्तों हमारा फोर्थ है अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि कोई काम मेरे लिए आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल, मेकिंग फूड इज ईजी फॉर मी। खाना बनाना मेरे लिए आसान है। और लेकिन अगर मैं इसको अ पीस ऑफ केक में बोलना चाहता हूँ तो मैं कह सकता हूँ मेकिंग फूड इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, पैसा कमाना हर किसी के लिए आसान नहीं है। तो इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक टू अर्न मनी फॉर एनी वन। तो मतलब अ पीस ऑफ केक मतलब होता है कि कोई चीज़ मेरे लिए बहुत आसान है जो मैं बहुत अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। टर्न डाउन मीन्स होता है, टर्न डाउन मीन्स होता है किसी को मना कर देना, रिफ्यूज कर देना, डिनाई कर देना। फॉर एग्जाम्पल, बैंक ने मुझे एजुकेशन लोन देने से मना कर दिया। द एप्लीकेशन ऑफ माई एजुकेशन लोन वॉज टर्न डाउन बाई बैंक। मेरे फादर ने मुझे दिल्ली जाने से मना कर दिया। माई फादर टर्न डाउन टू मी गोइंग टू।